हे गाइस, वेलकम टू मैंगो मून रिव्यूज़। गाइस, तो मैंने आज मूवी देखी है चुप। गाइस, नेशनल सिनेमा डे चल रहा है, 75 रुपीज़ में टिकट मिल रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, एंड कचा कच ऑडियंस भरी हुई थी, पूरा हाउसफुल था। गाइस, मेरे छोटे शहर में मैं रहता हूँ, यहाँ इस छोटे शहर में फुल ऑडियंस भरी हुई थी। मैं 9:30 बजे का शो देखने गया था। इतने छोटे शहर में इस टाइम पे 9 बजे, सुबह के 9 बजे कोई फिल्म देखने नहीं आता है, बट पूरा कच्चा कच एकदम ऑडियंस, पूरी थिएटर पूरा हाउसफुल था मूवी के लिए। डेफिनेटली गाइस, ये फिल्म आर बाल्की यार सबसे पहली बात काफी लेजेंडरी डायरेक्टर है। वो हमेशा से ट्राई करते हैं यार कि कुछ एकदम अलग हटके कुछ बना के दिखा दो, एकदम सबसे अलग हटके बना दो। पा फिल्म आपको याद है, पा जैसी फिल्म हमने इंडिया में देखी ही नहीं थी कभी। चीनी कम एक फिल्म है अमिताभ बच्चन की, वो भी आर बाल्की ने बनाई है, वो भी आप देखो, वो भी अलग कॉन्सेप्ट की फिल्म है। एंड ये फिल्म चुप, ये तो मतलब कुछ अलग ही उन्होंने बनाने की कोशिश कर दी है। मतलब डेफिनेटली फिल्म में कुछ फ्लॉज हैं, बट वो फ्लॉज इतना भी नहीं, देखो यार फिल्म एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए आदमी देखता है कि भैया मजा आया कि नहीं आया, फाइनल क्या कंक्लूजन है कि आदमी को फिल्म देख के हंसी आया कि नहीं आया, मजा आया कि नहीं आया, थ्रिल्ड फील हुआ कि नहीं हुआ, वो इस फिल्म में आपको फील होगा, प्रॉपर फील होगा। आप आज के दिन तो इस फिल्म को एंटरटेनमेंट के लिए जाके देख ही सकते हो, मात्र 75 रुपीज में मिल रहा है टिकट। गाइज, फिल्म तो आज मिस मत करना, एंड आज अगर मिस हो गया कल जाके देख लो, संडे को जाके देख लो। फिल्म डेफिनेटली मज़ेदार है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो फिल्म में कुछ फ्लॉज हैं, और मेरा ये मानना इतनी सारी फिल्म देखने के बाद कि गाइस फिल्म सभी फिल्म्स में कुछ ना कुछ फ्लॉज कमियां रहती ही रहती हैं, कोई भी फिल्म परफेक्ट नहीं रहती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं सभी फिल्म के साथ। आप जैसा सोचोगे डेफिनेटली फिल्म वैसा नहीं बन सकता। ये फिल्म भी कहीं ना कहीं थोड़ा स्लो लगता है, थोड़ा घिंचा हुआ लगता है, बट आप इस फिल्म को एंटरटेनमेंट पर्पज से देख सकते हो, फैमिली के साथ देख सकते हो, मजे से देख सकते हो, थ्रिल्ड है फिल्म के अंदर, थ्रिल है। ऐसा ही बताऊँ, मुझे थोड़ा सा भी इस फिल्म के बारे में बुरा बोलने में थोड़ा सा डर लग रहा है। वो आप फिल्म देखो तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्या है इस फिल्म के अंदर। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे इस फिल्म का ये लगा गाइस कि ट्रेलर से भी मालूम चल रहा है कि भाई दुलकर सलमान ने ही विलन है। ये दुलकर सलमान ही है जो सबको किलर कर रहा है, सबको मार रहा है, सबको किल कर रहा है, वो ट्रेलर से ही देखने का पता चल रहा है। फिर भी इंटरेस्ट थोड़ा सा भी कम नहीं होता, इतू सा भी इंटरेस्ट कम नहीं होगा आपका। ये जानने में काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहेगा मन में, यार भाई क्यों मार क्यों रहा है इन लोगों को, आखिर क्रिटिक्स लोगों को क्यों मांग रहा है, क्या रीजंस हैं। बट डेफिनेटली क्लाइमेक्स भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत अच्छा नहीं था जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं कुछ चाह रहा था कि सनी देओल कुछ करेंगे, बट सनी देओल को भी बहुत ही ठंडा रखा। बहुत सारी चीज़ मुझे लगा कि थोड़ा और अच्छा हो सकता था, बट ये फिल्म प्रॉपर क्रिटिक्स लोगों के लिए था। उनको ये मैसेज देना था कि भाई तुम्हारा एक एक वर्ड्स किसी फिल्म मेकर के लिए उसने करोड़ों लगाए हैं। बहुत सारे ने अपने जीवन की पूरी कमाई लगा दी होती है फिल्म के अंदर, जो करोड़ों लगाए हैं तुमने, तुम्हारे एक वर्ड्स की वजह से वो उसका लाइफ खराब हो सकता है, वो डिप्रेस हो सकता है, वो मर सकता है, वो इस दुनिया से जा सकता है हमेशा हमेशा के लिए, सिर्फ तुम्हारे एक वर्ड्स के लिए। तो गाइज, ये फिल्म आप जाके जरूर देखना, फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अमिताभ बच्चन का एक कैमियो भी है छोटा सा, वो भी एक छोटी सी एक मैसेज देने आते हैं फिल्म के अंदर। बाकी कोई ऐसा सीन नहीं है, आप फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो। मुझे फिल्म बहुत अच्छा लगा है, कुछ फ्लॉज हैं बट अच्छा लगा एंटरटेनमेंट वाइज। सबसे इंटरेस्टिंग बात यार पूरा हाउसफुल था गाइस, मैं पॉपकॉर्न लेके आराम से बैठा हूँ, जो आराम इंटरवल में पूरा बड़ा मजा आया मुझे तो बहुत अच्छा लगा। फिल्म मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा आपको कि जाके देखो, कुछ अलग है। जहाँ इतनी सारी कॉपीज बन रही हैं, हर एक नेक्स्ट फिल्म कॉपी हो रही है, कहीं नहीं साउथ से फॉरेन से हर जगह कॉपी फिल्म आ रही है, यहाँ आर बाल्की ने कुछ एकदम हट के और ओरिजिनल चीज़ ला के दी आपको। फिल्म को जाके देखो, मज़ा आएगा। और भी बहुत सारी फिल्म्स हैं, उसको भी जाके देखो। मैं तो अभी ये वीडियो बनाने के बाद अभी बहुत सारे राउंडी कॉर्नर और एवेटर यानी अवतार और ब्रह्मास्त्र, मैं सोच रहा हूँ कि ये तीनों फिल्में जाके देखूँ, बट कैसे देखूँगा पता नहीं। अगर जितनी भी फिल्में देख पाऊँ पता नहीं। बस ये वीडियो अच्छा लगा गाइस सब्सक्राइब जरूर करना है। गाइस सब्सक्राइब किए बिना मत जाना यार, नहीं तो फिर स्टार देने आ जाऊँगा मैं भी।